हाय फ्रेंड, ताहिर बर्ड्स लवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि बजरी तोता अपने बच्चे को क्यों हंडी से बाहर फेंक देते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड, अब हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। फ्रेंड, बजरी अपने बच्चे को इसलिए फेंक देते हैं कि फ्रेंड वो छोटा हंडी लगने के वजह से फेंक देता है। अगर आपके पास केज या बॉक्स है तो फ्रेंड आप अपने केज बॉक्स में एक बड़ी हंडी लगाएं ताकि वो उसको स्पेस मिल सके। अगर वो जल्दी हीट पे आ जाते हैं तभी वो बच्चे को फेंक देते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। उसको डिस्टर्ब होता है इसलिए वो अपने बच्चे को हंडी से फेंक देते हैं। तो आप अपने केज या बॉक्स में ये जो बड़ी हंडी दिख रहा है फ्रेंड, इतनी बड़ी हंडी आप लगाएँ। तो फ्रेंड अभी मैं चेक करने वाला हूँ कि कौन सा हंडी में कितने अंडे इसमें है। फ्रेंड तकरीबन 6, 2, 4, 6, 7 अंडे निकल चुका है फ्रेंड। और ये बड़ी हंडी है फ्रेंड, इतनी बड़ी लगी। इसमें कुछ चिक्स है फ्रेंड, कुछ निकल गया और कुछ चिक्स बचा हुआ है इसमें। और फ्रेंड इसमें भी कुछ चिक्स है और कुछ निकल चुका है फ्रेंड। और फ्रेंड इसमें अभी चिक्स है फ्रेंड, 2-3 चिक्स अभी और है और कुछ निकल चुका है फ्रेंड। और फ्रेंड इसमें भी एक चिक्स अभी बचा हुआ और अंडे भी ले कर चुका है। और फ्रेंड इसमें अभी चिक्स काफ़ी चिक्स बचा हुआ है, 3 या 4 चिक्स है, सही से दिख नहीं रहा फ्रेंड। और ये खाली है बॉक्स, हंडी खाली है और फ्रेंड ये भी खाली है, ये भी खाली है फ्रेंड। इसमें कुछ चिक्स पड़ा हुआ है अभी फ्रेंड और एक चिक्स निकल चुका है इसमें से भी, ये भी खाली है फ्रेंड, ये भी खाली है फ्रेंड। और फ्रेंड अभी बर्ड्स सारे फिर से मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया फ्रेंड। और कुछ चिक्स निकला हुआ जो इसमें मैंने रख रखा हूँ, तकरीबन 6 से 7 चिक्स इसमें है, आपको दिख नहीं रहा है, लाइट जाके है, फ्लैशबैक से मैं क्या बना रहा हूँ वीडियो फ्रेंड। तो इसमें मैंने चिक्स को रख रखा हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।